राजाओं का शहर भोपाल। इस शहर की खूबसूरती की बात करें तो राजा भोज द्वारा स्थापित यह शहर झीलों से सुसज्जित तो है ही, साथ ही ज्ञान और विज्ञान में भी किसी से पीछे नहीं है। विज्ञान की बात हुई है तो हम आपको बता दें, पिछले दो दशक में भारत में पशुधन की आपूर्ति दो गुना हो गई है, जो नई प्रौद्योगिकियों के आगमन, पशुपालन प्रणालियों में सुधार, स्वदेशी नस्लों की वृद्धि और बेहतर स्वास्थ्य प्रबंधन के कारण हुआ है। पशुओं की आबादी में तेजी से वृद्धि और पशुधन और इसके उत्पादों के विश्वव्यापी आदान प्रदान में वृद्धि ने देश में विदेशी बीमारियों के प्रवेश की संभावना में भी वृद्धि की है। शहरीकरण, वनों की कटाई, पर्यावरण प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन आदि कारणों से पशुओं में पुराने रोगों के अलावा नए रोग भी पैदा हुए हैं। देश पहले भी पशुओं के द्वारा पैदा हुई कई महामारियों से जूझ चुका है। महामारी का शिकार जानवर ही नहीं, इंसान भी हुए। समस्या बड़ी थी, इस पर रोक लगाने की आवश्यकता थी। हाल ही में कोरोना जैसी महामारी को ही ले लीजिए, हर तरफ खौफ का माहौल, पलायन जो जहां था वहीं थम गया, क्योंकि कोरोना वायरस लापरवाही के चलते चीन की लैब से होते हुए भारत में प्रवेश कर चुका था। इस बड़ी लापरवाही की सजा भारत को भी भुगतनी पड़ी। भारत सरकार एवं वैज्ञानिकों की मदद से आज भारत फिर से खड़ा हो सका है। लैब की बात चली है तो हमें पता चला ऐसे ही एक संस्थान के बारे में, जो कि भोपाल में स्थित है, जो पशुओं में होने वाली बीमारियों पर लगातार कार्य कर रहा है, जिसके अंदर की सुरक्षा चाक चौबंद है। उत्सुकता बड़ी थी, हम निकल पड़े दिल्ली से भोपाल के सफर पर। आइए सफर के दौरान संस्थान को जान लेते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, देश में पशु एवं पक्षियों को बचाने के लिए उन्हें नियंत्रित करने की आवश्यकता थी। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान 132 एकड़ स्थित एक ऐसा संस्थान है जो पशुओं में विदेशी और उभरती हुई बीमारियों पर शोध करता है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने 1998 में उच्च सुरक्षा पशु रोग प्रयोगशाला को भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान के अंतर्गत बनाया गया था। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने HSADL प्रयोगशाला के उभरते हुए महत्व को देखते हुए 8 अगस्त 2014 में इसको एक संपूर्ण संस्थान का दर्जा प्रदान किया, जिससे कि यह बेहतर और व्यापक रूप से पशु स्वास्थ्य के लिए देश की सेवा में समर्पित हो सके। संस्थान ने विदेशी मूल के कई जानवरों की बीमारियों का पता लगाने और उन्हें हमारे देश में प्रवेश करने से रोकने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। संस्थान के प्रमुख उद्देश्य हैं जानवरों की विदेशी उभरती और फिर से उभरती बीमारियों पर बुनियादी और व्यावहारिक अनुसंधान करना, पशुओं की विदेशी उभरती बीमारियों के निदान एवं नियंत्रण के लिए योग्यता विकसित करना, विदेशी उभरते रोग जनकों पर एक भंडार और डेटा बैंक बनाना और अद्यतन करना, जैव जोखिम प्रबंधन में कौशल विकसित करना और जैव सुरक्षा और जैव नियंत्रण के क्षेत्रों में जनशक्ति को प्रशिक्षित करना। चलिए, ये तो थी संस्थान से जुड़ी कुछ बातें, और लीजिए हमें पता भी नहीं चला और हम पहुंच भी गए राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान भोपाल। बारी थी संस्थान के निदेशक से मिलने की। आइए मिलते हैं यहाँ के निदेशक से और जानते हैं यहाँ हो रहे कार्य को। इस संस्था का मूल जो ऑब्जेक्टिव होता है वो मोस्टली हम क्या करते हैं, जितना डायग्नोसिस डेवलपमेंट करते हैं और वैक्सीन करते हैं, जितना सारे इमर्जिंग और एग्जॉटिक डिजीज, मतलब जो डिजीज़ हमारा देश में अभी तक आया नहीं है, उस डिजीज़ का ऊपर हमारा डायग्नोस्टिक प्रिपेयर्डनेस होना चाहिए, उसके लिए हमें वैक्सीन रेडी होना चाहिए, तो इसी में हम लोग काम करते हैं। और एक सबसे बड़ा और एक है जिसमें क्या, हम लोग उसको जितना सारे देश में
डेवलपमेंट होना है तो उसके लिए इस किस्म का लैब में काम करना है, जैसे वायरस ना फैला जाए। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसमें ट्रेनिंग देते हैं फॉर बायोसेफ्टी, बायोसिक्योरिटी एंड बायो कंटेनमेंट। इसका ठीक से अगर जान ठीक से रहेगा तो क्या है, इसमें हमारा सुरक्षा रहेगा, आदमी के लिए भी सुरक्षा रहेगा, ये फैलाएगा भी नहीं। संस्थान अपने बायोसेफ्टी लैब के लिए जाना जाता है। 3 मंजिल वाला NIHSED की BSL-3 लैब का मॉडल नीदरलैंड में स्थित ललिस्टेड की BSL-4 लैब के मॉडल पर आधारित है। ऊपरी मंजिल पर वायु संचालन सुविधा है। भूतल पर श्रेणीबद्ध ऋणात्मक दाब को बायो कंटेनमेंट प्रयोगशाला और पशु इकाई में संचालित किया जाता है। बेसमेंट में अपशिष्ट उपचार संयंत्र है, जिसमें पशुओं के अपशिष्ट को उष्मा स्टरलाइजेशन, गैसीय स्टरलाइजेशन या एसिड द्वारा नष्ट किया जाता है। प्रयोगशाला में प्रवेश प्रतिबंधित है। प्रयोगशाला में प्रवेश केवल अधिकृत अनुसंधान और सहायता कर्मियों तक ही सीमित है। संस्थान के निदेशक द्वारा हमारी टीम को अनुमति मिल चुकी थी। संस्थान के नियम को फॉलो करते हुए हमें अंदर जाना था। एनिमल विंग एवं लैब में जाने के लिए सबसे पहले बायोमेट्रिक एक्सेस कंट्रोल सिस्टम द्वारा सत्यापन होना आवश्यक है। प्रयोगशाला में प्रवेश और निकास इलेक्ट्रॉनिक रूप से नियंत्रित शावर प्रणाली के माध्यम से होता है। यहाँ 12 शावर रूम हैं, जिनमें एयरटाइट दरवाजे हैं और अंदर और बाहर चेंजिंग रूम है, जिनमें बदले हुए कपड़ों और अन्य सामान के लिए लॉकर है। दोनों दरवाजों को एक ही समय में खुलने से रोकने के लिए शावर में एयरलॉक सुरक्षित किया गया है। संस्थान की BSL-3 लैब को 24x7 नियंत्रित रूप से चलाने में बायो इंजीनियरिंग इकाई के कर्मियों की मेहनत है। क्या रात क्या दिन, यहाँ उनकी मेहनत को देखा जा सकता है। यह इंजीनियरिंग इकाई BSL-3 प्रयोगशाला में जनरेटर और UPS के माध्यम से बिना किसी रुकावट के विद्युत की आपूर्ति करते रहते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक हम सबस्टेशन की इलेक्ट्रिकल सबस्टेशन है, जो 33 किलोवाट का सबस्टेशन है। जो भी MPV सप्लाई, स्टेट गवर्नमेंट सप्लाई आ रही है, उसको ये स्टेप डाउन करके 440 किलोवाट में कन्वर्ट करके सबस्टेशन में रहता है। इस साथ में हमारे जब बिजली चलाने जाए, उसके लिए हमने यहाँ DG सेट लगाए हुए हैं। 750 KV के हमारे पास एक DG सेट लगा हुआ है, जो कि इमरजेंसी लाइट जाने के बाद विद इन 30 सेकेंड्स लैब को फंक्शन करने के चालू स्टार्ट हो जाता है, जो कि ऑटोमेटिक है। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए, गोल्डी सब्जी मसाले जहां जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। इस इकाई में एक और प्लांट है जो अपनी मुख्य भूमिका निभा रहा है। जी हां, वो है इस इकाई में चलित एयर कंडीशनिंग प्लांट और एयर हैंडलिंग यूनिट्स, जिसके माध्यम से प्रयोगशाला के अंदर तापमान और हवा के दबाव को नियंत्रित रखा जाता है। वहीं प्रयोगशाला में स्थित ऑटोक्लेव्स के लिए बॉयलर के माध्यम से भाप की आपूर्ति की जाती है। अब बारी है सबसे महत्वपूर्ण विंग की। जी हां, कंट्रोल रूम। यहां पूरे सिस्टम की निगरानी की जाती है। प्रत्येक कमरे में नेगेटिव प्रेशर और प्रत्येक फिल्टर हाउसिंग में सभी प्रेशर को यहां देखा जा सकता है। इधर ये हर एक फिल्टर हाउसिंग का डिफरेंशियल प्रेशर मीटर का रीडिंग दिखा जाता है और हर एक रूम का नेगेटिव प्रेशर भी दिखा जाता है। और इससे कुछ फॉल्ट हो गया तो लाइक इट बिकम्स सेकंड लाइन ऑफ मॉनिटरिंग। देन उसके बाद हमारा शवर सिस्टम का एक स्कैडा के थ्रू मॉनिटर हो जाता है। सो कोई भी फॉल्ट शवर सिस्टम में आ जाता है, इधर दिखा जाता है और इमीडिएटली उन लोगों को हेल्प के लिए या रेक्टिफिकेशन के लिए चले जाते हैं। एक एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट है, बेसमेंट में रखा है। इसका फंक्शनिंग CCTV कैमरा के थ्रू मॉनिटर हो जाता है। इसका मॉनिटर इधर है और इधर भी एक स्कैडा सिस्टम रखा है। इसके द्वारा
हर एक एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट का टैंक का टेम्परेचर प्रेशर सभी मॉनिटर हो जाता है। लैब के अंदर की बात की जाए तो यहाँ बीमारियों के निदान के लिए विशेष कक्ष है। संक्रमण कक्ष परिसर में संक्रामक पदार्थों को संचालित करने के लिए एक अलग ऑटोक्लेव उपलब्ध है। इस प्रयोगशाला के अंदर जैव सुरक्षा कार्य में शामिल लोगों और सामग्री के आवागमन पर विशेष ध्यान दिया जाता है। फील्ड से जो सैंपल आने वाले हैं उनका यहाँ पे प्रोसेसिंग होता है, और चूंकि यहाँ पे हम वो जो सैंपल होते हैं वो काफ़ी जो इन्फेक्शियस होते हैं और काफ़ी जो इसके अंदर जाता है, तो इसलिए इसमें ये ज़रूरी होता है कि आप जितना भी पर्सनल प्रोटेक्शन जो होता है वो पर्सनल प्रोटेक्शन आप पूरी तरह से आप इंश्योर करें। इसलिए जो यहाँ पे जो भी जाएगा वो आपके बायोसेफ्टी कैबिनेट में यहाँ पे जो है वहाँ पे काम करेगा, पूरा पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पहनेगा, सारा काम यहाँ पे पूरा कंप्लीट करके फिर वो जितना भी जो बचा हुआ जो सैंपल और जो इन्फेक्शियस मटेरियल होगा वो सारा का सारा जो है वो पूरा आपके ऑटोक्लेव में वहाँ पे पहले उसको सारा जो जितने भी वायरस हैं उनको सबको ख़त्म करने के बाद वो जो सैंपल जो सेफ हो जाता है तब वो सैंपल आपका वापस बाहर डिस्कार्ड करने के लिए भेजते हैं। लैब यूनिट में प्रवेश करने के बाद हम डायग्नोस्टिक लैब वन में पहुंचे, जहां पशुओं में होने वाले गंभीर रोगों के निदान पर अनुसंधान कार्य जारी दिखा। ये निषाद का ये रोमंथी पशु रोग निदान लैब जो कि गाय भैंस बकरी और भेड़ों के विभिन्न विषाणु जनित रोगों का जो देशज भी होते हैं और विदेशज भी होते हैं उन रोगों के निदान और डायग्नोस्टिक विकास और टीका के विकास पर कार्य करता है। हाल में ही हमने बोवाइन वायरल डायरिया का टीका मृत टीका विकसित किया है जिसके अभी फील्ड स्तर पर जांच हो रही है, परीक्षण हो रही है। परीक्षण के पश्चात यह देश को समर्पित किया जाएगा और देश में जो विभिन्न पशु जो बोवाइन वायरल डायरिया से प्रभावित होते हैं और उनका प्रोडक्शन कम होता है, देश का लॉस होता है, इससे हम बचा पाएंगे अपने कृषक भाइयों को और पशुपालन के प्रोडक्शन को हम बढ़ा पाएंगे। डायग्नोस्टिक लैब के बाद हम एक दूसरी लैब बायोकेमिस्ट्री लैब में पहुंचते हैं, जहां सूकर से संबंधित रोग निदान पर कार्य हुए हैं। आइए यहां के वैज्ञानिकों से जान लेते हैं इनके कार्यों को। हमारे ये जो सूकर रोग प्रयोगशाला है इसमें हम जो सूकर पशु होती हैं उनकी बीमारियों पर मुख्य रूप से काम करते हैं, जिनमें जो नवागत रोग हैं जैसे जो अभी नए उभरते हुए रोग हैं या फिर कोई एक्जोटिक बीमारी है जो अभी हमारे देश में नहीं है पर उनकी संभावनाएं कि नियर फ्यूचर में वो हमारे देश में आ सकती हैं, तो ऐसी बीमारियों पर हमारे इस प्रयोगशाला में निरंतर कार्य चलता है। अब हम बात कर लेते हैं एक और महत्वपूर्ण लैब जोनोटिक डिसीजेज लैब की। अक्सर देखा जाता है पशुओं में होने वाला रोग मनुष्यों को भी बीमार कर देता है। हम ऐसे रोगों पे काम करते हैं जो कि पशुओं से मनुष्यों में संक्रमित होते हैं जिनको कि जूनोटिक डिसीजेस कहते हैं। इनमें प्रमुख है कॉन्गो फीवर जो कि गोवंश में होता है, निपा जो कि सुअरों में और चमगादड़ों में होता है, मर्स जो कि ऊँटों में होता है, जापनीज इंसेफेलाइटिस जो कि सुअरों में और घोड़ों में होता है, और COVID-19 जो कि कुत्ते बिल्ली और जंगली पशुओं में होता है। जूनोटिक डिसीज के अंडर ये वन हेल्थ का अभिन्न अंग है और इसमें हम 5 आयामों पर काम करते हैं। एक पहला आयाम तो होता है सर्वेलेंस, दूसरा टेस्टिंग सर्विसेज, तीसरा है डायग्नोस्टिक और वैक्सीन डेवलपमेंट, चौथा है होस्ट पैथोजन इंटरैक्शन और 5वां है पैथोजेनोमिक्स। इसके अंदर हम देश भर में होने वाले पशुओं में जूनोटिक डिसीजेस के लिए इन्वेस्टिगेशंस करते हैं जो कि हम ICMR के टीम के साथ मिलकर करते हैं। इसके लिए हम रियल टाइम PCR एवं वायरल मेटाजेनोमिक्स टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। अब बात आती है लैब के अंदर के कचरे की। इस कचरे का आखिर क्या होता है? हमें बताया गया कि सभी प्रकार के इन्फ्लुएंट्स को विभिन्न स्थलों से HDPE पाइप के माध्यम से लिया जाता है और भूमि के 3 मीटर नीचे ड्रेन किया जाता है। प्रयोगशाला के बाहर ऊष्मा और रासायनिक उपचार के प्रति संवेदनशील सभी पदार्थों को 2 दरवाजों वाले अवरोधी एथिलीन ट्राईऑक्साइड गैस सिट्रिलाइजर के माध्यम से बाहर भेजा जाता है जो कंटामिनेटेड एरिया के बाहर खुलता है। ठोस अपशिष्ट की निकासी के लिए बैरियर ऑटोक्लेव में 2 दरवाजे हैं। इसके दरवाजे कंटामिनेटेड क्षेत्र के अंदर और बाहर खुलते हैं।
कंटेनमेंट क्षेत्र की शूटिंग के पश्चात अब यहां से बाहर निकलने का समय था। नियम के अनुसार कैमरा एवं अन्य वस्तुओं को हमें एयरलॉक रूम में विधिवत तरीके से जमा करने को कहा गया, क्योंकि संक्रमित क्षेत्र से उपकरण को बाहर ले जाना खतरे को दावत देना था। हमने फैसला किया कि उपकरण हम जमा करते हैं। पुनः प्रक्रिया को दोहराते हुए हमने तीन कमरों के सुरक्षा घेरे से होते हुए बाहर आना था। पहले रूम में हमने प्रयोगशाला के कपड़ों को वहीं छोड़ा, फिर दूसरे कमरे में प्रवेश हुआ जहां 5 मिनट के भीतर 3 बार शॉवर लिया। मेरी और मेरी टीम के लिए ये काफी चैलेंजिंग था। कैमरे के बिना अब कुछ नहीं हो सकता था। अब अगली सुबह का इंतजार, कल फिर मिलेंगे आपसे। दूसरा दिन सुबह के 10 बजे एक बार फिर से हम पहुंचे राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान भोपाल। ऑफिशियल प्रक्रिया के बाद कैमरा एवं बाकी उपकरण को हमें दे दिया गया। अब बारी थी संस्थान में स्थित दूसरे महत्वपूर्ण यूनिट के कार्यों को जानने की। विशिष्ट रोगाणु मुक्त इकाई SPF यूनिट। विशिष्ट रोगाणु मुक्त इकाई को एक अलग इमारत में स्थापित किया गया है। इसमें 2 सुपर आइसोलेटर्स हैं, जिसमें 100 SPF पक्षियों को पालने की क्षमता होती है। इसमें एक इंक्यूबेटर है जहां संक्रमण मुक्त मुर्गी के अंडे की निगरानी एवं अन्य पक्षियों को इन्फ्लुएंजा और अन्य पोल्ट्री बीमारियों पर अनुसंधान में उपयोग किए जाते हैं। इस यूनिट में हम SPF मुर्गी यानी स्पेसिफिक पैथोजन फ्री मुर्गियों का पालन करते हैं। ये जो मुर्गियां हैं ये 25 मुर्गियों की बीमारियों से और उनकी एंटीबॉडीज से मुक्त हैं। इन मुर्गियों के को पालने के लिए हम इन्हें फिल्टर्ड एयर या फिल्टर्ड वाटर, ऑटोक्लेव्ड फीड देके सुपर आइसोलेटर के अंदर पॉजिटिव प्रेशर में पालते हैं, जिससे कि ये रोगाणु रहित रहें। इन मुर्गियों को और उनके अंडों को हम कई सारे एक्सपेरिमेंट्स में यूज करते हैं। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले जहां जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी मसाले। यही नहीं, घातक रोगों की पहचान करने के लिए ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की सुविधा भी उपलब्ध है। इसके द्वारा हम विषाणु को देखते हैं। इसके द्वारा हम लोग एवियन इन्फ्लुएंजा जब इंडिया में आया तब तो इसी के द्वारा हम डायग्नोस किए। उसके अलावा उसके बाद बाकी बीमारियां जो भी जानवरों में आया लाइक PRRS, अफ्रीकन स्वाइन फीवर, ये सबको इसी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देख के ही उसको कन्फर्म किया है। जीनोमिक्स के अंतर्गत आणविक एवं अन्य गैर संक्रामक कार्यों के लिए कंटेनमेंट लैब के बाहर एक पैथोजोमिक्स प्रयोगशाला को स्थापित किया गया है। आइए जानते हैं यहाँ हो रहे कार्यों को यहाँ के वैज्ञानिक से। जो भी सैंपल्स हमारे पास आते हैं तो हम एक डायग्नोस्टिक टेस्ट लगाते हैं उसके ऊपर, और अगर हम जो डायग्नोसिस के टाइम पे एक 7-8 टेस्ट लगाने के बाद में अगर वो सैंपल निगेटिव निकलता है तो हमें फिर इसके ऊपर शिफ्ट होना पड़ता है। तो इसमें बेसिकली हम वायरल मेटाजिनोमिक्स अप्रोच इस्तेमाल करते हैं, जो कि जितने भी रोगाणु विषाणुओं का उसके अंदर जीनोम सीक्वेंस है उसको एक साथ कैप्चर करता है, सीक्वेंस करता है, और उसके बाद में हम उसका मैपिंग करके हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा सीक्वेंस, कौन सा रोगाणु या विषाणु उसके क्लिनिकल सैंपल के अंदर है जो कि आउटब्रेक के लिए रिस्पॉन्सिबल है। संस्थान परिसर में ही दूसरी तरफ एनिमल विंग को स्थापित किया गया है। यहाँ रिसीविंग एनिमल शेड है। इसमें हम जानवरों पर किसी भी प्रयोग के पहले जो भी जानवर बाहर से लाए जाते हैं उन्हें 21 दिनों के लिए क्वारंटाइन करते हैं, ताकि अगर इसमें कोई बीमारी हो तो उसके लक्षण सामने आ जाएं। ये जो हमारा शेड है, ये एनिमल रिसीविंग शेड है, इसमें हम कोई भी प्रयोग करने से पहले जो भी जानवर हम बाहर से लाते हैं उनको 21 डेज के लिए 21 दिन के लिए हम क्वारंटीन करते हैं, मतलब अलग से रखते हैं, ताकि उनमें जो अगर कोई बीमारी हो तो वो हम उसके लक्षण हमारे सामने आ जाएं, ताकि तब हम उनको जो हेल्दी जानवर हैं उन्हीं को एक्सपेरिमेंट के लिए आगे यूज़ करते हैं।
रिसीविंग शेड के बाद हम पहुंचे एनिमल होल्डिंग शेड। क्वारंटाइन के बाद जानवरों को दूसरे शेड एनिमल होल्डिंग शेड में शिफ्ट किया जाता है। जो हेल्दी जानवर होते हैं उनको एक्सपेरिमेंट के लिए आगे उपयोग में लाया जाता है। इससे पहले मैंने आपको एनिमल रिसीविंग शेड के बारे में बताया, उसके बाद एनिमल को हम 21 डेज क्वारंटाइन के बाद लाते हैं एनिमल होल्डिंग शेड में, पशु नियंत्रण गृह में। यहाँ पर हम जानवरों को जब तक हमारा प्रयोग या कोई अनुसंधान जिसमें हम काम कर रहे हैं जब तक शुरू नहीं होता, तब तक हम सभी जानवरों को इसमें रखते हैं। इसमें भी हमारे रिसीविंग शेड की तरह होल्डिंग शेड में भी अलग अलग जानवरों के लिए कमरे बने हुए हैं, जैसे कि स्मॉल एनिमल रूम, लार्ज एनिमल रूम, लेबॉरेटरी एनिमल रूम। तो उन प्रत्येक कैटेगरी के एनिमल को हम उसी के रूम में रखते हैं, और उसके बाद जब एक्सपेरिमेंट हमें स्टार्ट करना होता है तो यहाँ से हम एनिमल्स को, प्रत्येक जानवर को शिफ्ट करते हैं एनिमल बायो कंटेनमेंट फैसिलिटी में। यहाँ पर हम अपना एक्सपेरिमेंट करते हैं और उसके बाद एनिमल को अपने प्रोसीजर्स फॉलो करके डिस्कार्ड करते हैं। अब बारी है ITMU यूनिट यानी संस्थान प्रौद्योगिकी प्रबंधन इकाई, जहाँ वैज्ञानिकों की मेहनत को इस इकाई के माध्यम से आगे ले जाया जाता है। अभी तक संस्थान में कई बीमारियों के निदान एवं रोकथाम के लिए पशु रोगों के लिए टीके, कई रोग नैदानिक किट का आविष्कार किया गया है। आइए जानते हैं इन किट के बारे में यहाँ के वैज्ञानिकों से। हमने 7 टेक्नोलॉजी, हमारा साइंटिस्ट जो ICR निषाद के साइंटिस्ट ने 7 टेक्नोलॉजी डेवलप किया है। तो इसमें से 6 जो डायग्नोस्टिक किट है जो पशु रोगों के और मुर्गियों के लिए 6 डायग्नोस्टिक किट है और एक टीका। तो ये हमारा महत्वपूर्ण उपलब्धि है, ये 6-7 साल में हमारा संस्थान का महत्वपूर्ण उपलब्धि है। यहाँ परियोजना की निगरानी एवं उनका मूल्यांकन PME सेल के अंतर्गत किया जाता है, जिसमें संस्थान के प्रशासनिक विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की भूमिका होती है। प्रायोरिटाइजेशन मॉनिटरिंग एंड एवेल्यूशन सेल का इंचार्ज हूँ। प्रायोरिटाइजेशन मॉनिटरिंग एंड एवेल्यूशन सेल का काम है तो पूरा रिसर्च का कोऑर्डिनेट करना और संस्थान का पूरा रिसर्च का कोऑर्डिनेट करना है। और ये राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान का मैंडेट का अनुसार अगर आप देखेंगे तो प्रमुख अनुसंधान है जो बीमारी अभी नई आई है और आने का संभव है, उस बीमारियों का निगरानी करना है और उसका डायग्नोसिस और नियंत्रण करने के लिए डायग्नोस्टिक्स और वैक्सीन्स को प्राप्त करना है। यहाँ के अनुसंधान एवं कार्यों को देखकर या फिर हमारे वैज्ञानिकों से मिलकर आप भी प्रेरित हुए हैं। और भी अधिक जानकारियाँ इस राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान के संबंध में हासिल करना चाहते हैं तो आप भी जुड़ सकते हैं ICAR के इस महत्वपूर्ण संस्थान से। यहाँ का पता है राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान, आनंद नगर, भोपाल 4620 MP। इसके अलावा आप फोन से संपर्क कर सकते हैं, फोन नंबर 7552759204। आप चाहें तो ईमेल के माध्यम से भी संपर्क यहां किया जा सकता है। आप संस्थान की वेबसाइट पर सर्फिंग कर सकते हैं, फेसबुक पर भी आप इस संस्थान की गतिविधियों को देख सकते हैं, ट्विटर पर भी हम हैं, यही नहीं यूट्यूब पर भी हम मौजूद हैं। अगर आपके पास हमारे लिए कोई सुझाव है तो हमें ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी है sreshasanstan.ddkisan@gmail.com। संस्थान के प्रयासों से बदलाव नजर आ रहा है, हमारा देश और हमारे पशुपालक आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहे हैं। मवेशी ही नहीं, आज संस्थान के कार्यों से हर कोई सुरक्षित महसूस कर रहा है। आगे भी सिलसिला यूं ही चलता रहे, इसी उम्मीद के साथ आज के सफर में बस इतना ही। अगले कार्यक्रम में होगी फिर से आपसे मुलाकात। टीम निषाद।